हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं स्टडी रिलेटेड चैनल। दोस्त, आज बात करने वाले हैं BSPHCL के वैकेंसी के बारे में, जो कि है बिहार में जो ये पावर होल्डिंग होता है उसमें एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकल के आया है। तो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि अगर मेरा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और मेरे साथ बनिए लेटेस्ट जॉब संबंधित न्यूज़ पाने के लिए। तो दोस्त, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी निकल के आया है तो उसमें क्या क्या है और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया है और इसकी एग्जिबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेते हैं BSPHCL, और जब इसे सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से इस सबसे ऊपर वाले लिंक पे टाइप करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक साइड में कॉर्नर पर आप देख पा रहे होंगे कि रिक्रूटमेंट न्यूज़ यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि 18/9/2018, सॉरी ये नहीं है, इसके नीचे आप देख रहे हैं 17/9/18 इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर स्विच बोर्ड ऑपरेटर सेकेंड जूनियर लाइन मैन और टेक्नीशियन ग्रेड फोर अगेंस्ट EN18/2018। तो इसे ओपन कर लेते हैं दोस्त। यही है हम सब का वैकेंसी, जो कि आज 18 तारीख से ये फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो ये रात तक कभी भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप सब यहाँ पे आके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा अगर आप भरना चाहते हो तो। और फ्रेंड, इसमें देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद जो एक PDF फाइल डाउनलोड हो रहा है, जो कि नोटिफिकेशन है, इसमें देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना सीट है और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट ऑपरेटर का जो सीट है वो 300 है, और स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 का है ये 1000 है, जूनियर लाइनमैन 500 है, और टेक्नीशियन ग्रेड 4 का 250 सीट है यहाँ पे। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी वाइज इसे बांट दिया गया है। प्लस अगर आप दिव्यांग कोटा में आते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, और फ्रीडम फाइटर के लिए अलग से दिया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपके पास ITI का डिग्री है तभी आप इसे भर सकते हो। ITI का डिग्री आप या तो NCVT हो या फिर SCVT हो, कोई भी डिग्री चलेगा, बट ITI होना ज़रूरी है और मिनिमम 10th पास आउट होना चाहिए। और फ्रेंड, जो इस बार अपीयर है ITI के एग्ज़ाम में, जिसका फाइनल होने वाला है वो फॉर्म नहीं भर सकता है, जिसका फाइनल हो गया है सिर्फ वही भर सकता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है या कितना पेमेंट मिलेगा, जो भी कुछ है यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। और एक साल यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एक साल कंटिन्यू जॉब कर लेते हो तो आपका रेगुलर पे एज पर 7th PRC, जो 7th जो ये 7वां वेतन जो होता है उसके तहत आपको फिर पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं कि अगर आप बिहार के क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर से आप संबंधित रखते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको छूट नहीं मिलेगा। एज का बात कर लेते हैं फ्रेंड, एज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 37 ईयर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो फीमेल है, फीमेल के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है। तो आप यहाँ पे EVC के लिए 3 साल का एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है शायद। तो यही सब है फ्रेंड इसमें। और एप्लीकेशन फ़ीस का बात करें तो
जो जनरल कैटेगरी का है या फिर बीसी ईबीसी में आते हैं वो सबको 1000 रुपीज़ सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट करना होगा आपको। और अगर आप गर्ल्स है या फिर फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी और एससी एसटी या फिर दिव्यांग कोटा से बिलोंग्स करते हैं तो आपको 250 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट जो है सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ऑनलाइन मोड के माध्यम से होगा। और फ्रेंड इसके लिए सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप देख पा रहे होंगे। इसके लिए मोर्क या फिर डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप इस BSPHCL के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाके आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, और लास्ट डेट यहाँ पे लिख रहा है कि एग्जामिनेशन डेट लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2018। तो देख लेते हैं फ्रेंड क्या होता है। और लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का वो है 8/10/2018, मतलब 8 अक्टूबर 2018 शाम के 6 बजे तक। और फ्रेंड मैं इसका एक और बात करें, सबसे मेन बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, ये सारा का सारा सिलेबस है। और एक बार फिर आपसे मैं बता दूं कि आपको कि अगर आप ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपके इसके संबंधित कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं।